नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं आप सब में से कई लोग बहुत दुखी होंगे क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच में जो है इंडिया आज बुरी तरह हारा, तो डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा आप लोग के लिए। लेकिन खैर, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, हम जो है आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के द्वारा, जिसमें हमें आज ये पता चला इन्फॉर्मेशन कि फेसबुक जो है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया में इसको मुश्किलात आ सकती है लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने में, लेकिन अगर फेसबुक चाहे तो रेगुलेटर्स के साथ काम करके जो है इसे लॉन्च कर सकता है। लेकिन फेसबुक ने ये कन्फर्म कर दिया है कि इंडिया में जो है लिब्रा को वो लॉन्च नहीं करने वाला है। जाहिर सी बात है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रेगुलेटरी जो इंडिया में इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप जानते हैं आरबीआई बैंकिंग बैन है, गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। सुभाष चंद्र गर्ग जी ने जो है ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको ये दिखाता हूँ, हमने वेबसाइट पर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, सुभाष चंद्र गर्ग सेज नो टू फेसबुक लिब्रा, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और इसी वजह से जो है फेसबुक ने अपने सबसे बड़े मार्केट में करीबन 240 मिलियन यहां पर जो है एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के इंडिया में, और वहां पर लॉन्च ना करना डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा फेसबुक के लिए। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका भी होगा फेसबुक के लिए, क्योंकि बड़ा मार्केट है इंडिया में जो है, इंडिया डिजिटली काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग जो है इंडिया में मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, एक तरीके का एक डेटा रेवोल्यूशन आया हुआ है इंडिया में जियो की वजह से। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ऑब्वियसली उनका जो एड्रेसेबल मार्केट इसकी वजह से बहुत कम हो गया है, चाइना उनके पास ऑलरेडी एक्सेसिबल नहीं है, रशिया भी जो है थोड़ा सा वहाँ पर जो है कंपनी को इश्यूज फेस हुए हैं, दूसरे कंट्रीज जरूर हैं उनके पास। आप देख लीजिए, अगर आप इंडिया चाइना और रशिया को अगर हटा दें तो दूसरे आप जो भी कंट्रीज ले सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ले सकते हैं, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये बड़े मार्केट्स अभी भी उनके पास अवेलेबल हैं। फेसबुक जो है कोशिश कर रहा है कि रेगुलेटर्स के साथ काम करे, उन्होंने कहा है ये कि फेसबुक जो है रेगुलेटर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने जो है कैलिब्रा नाम का जो उनकी कंपनी लॉन्च की है वो जो है उन्होंने डिसेंट्रलाइज रखने की कोशिश की है। फेसबुक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जहां पर लोगों में जो है ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है फेसबुक। आप कोई और दूसरी कंपनी ले लीजिए जैसे कॉइन बेस, वहां पर लोगों में बहुत ट्रस्ट है, लेकिन फेसबुक जब नाम आता है सामने तो ट्रस्ट जो है थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उसके पास्ट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फेसबुक रेगुलेटर्स के साथ काम करता है और कैलिब्रा के थ्रू अगर वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर पाता है, देखना पड़ेगा आगे जाके कैसे होता है, अगले साल जो है लॉन्च होने वाला है, उसके पहले जो है उसे एड्रेस करना पड़ेगा रेगुलेटर्स के कंसर्न्स को। दुनिया भर में हो सकता है फेसबुक को यही जो है रिस्पॉन्स मिले रेगुलेटर्स से, क्योंकि रेगुलेटर्स डरे हुए हैं। आप देखिए फेसबुक जो है कितने सारे यूजर्स है वर्ल्ड ओवर उस प्लेटफॉर्म पर, और अगर यहां पर वो जो है पेमेंट सर्विसेज लॉन्च कर देता तो बैंकिंग इंडस्ट्री एक तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। बैंकिंग इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकती है, जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं जैसे पेपैल वगैरह वो खतरे में पड़ सकते हैं, फिर आप कोई भी आप ई कॉमर्स सर्विसेज ले लीजिए वो खतरे में पड़ सकते हैं। लिब्रा का पोटेंशियल बहुत है, रेगुलेटर्स ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और इसीलिए रेगुलेटर्स सडनली आगे ज्यादा बात कर रहे हैं लिब्रा के बारे में। आप देखिए इसके पहले जो है इंडियन रेगुलेटर्स बात नहीं कर रहे थे किसी भी क्रिप्टो करेंसी, स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन यहां पर फेसबुक लिब्रा के बारे में सुभाष चंद्र गर्ग जी ने भी अपना ओपिनियन दिया है। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी बात है कि फेसबुक जैसा कंपनी जो है इस स्पेस में आ गया है, तो देखना पड़ेगा ये अगले एक साल में कैसे होता है। इंडिया में ये फिलहाल आने नहीं वाला है, अगर इंडिया में आता तो बहुत मुझे लगता है इसका फायदा हो सकता था, इंडिया जो है एक अर्ली अडॉप्टर बन सकता था क्रिप्टो करेंसी के, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का आपको स्टैंड पता ही है, एक बार फिर मुझे लगता है इंडिया जो है अपने पिछड़ी सोच की वजह से जो है पीछे रह गया है। दूसरे कंट्रीज जो अडॉप्ट करेंगे फेसबुक लिब्रा को वो देखेंगे, वहां पर आप इंडियन रेगुलेटर्स देखेंगे और पूरे जो दुनिया है जहां पर फेसबुक लिब्रा जो है अडॉप्ट नहीं किया जाएगा वहां देखेंगे उसके कितने फायदे हो सकते हैं। तो अगेन एक रिग्रेसिव स्टेप है, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं कि इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसी जो फेसबुक की है उसे अडॉप्ट नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में वो आने वाला है, जुलाई 23 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। आरबीआई का जो केस चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की, आरबीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसी केस, उस पर क्या रूलिंग आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडियन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर। तो देखना पड़ेगा, जुलाई 23 पर हम सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि फेसबुक जो है अपने फर्स्ट स्टेज में यानी कि 2020 में जब फेसबुक लॉन्च होगा फर्स्ट हाफ में, इंडिया जो है इंडियन यूजर्स उसे यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी खबर है और इसी नोट पर जो मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों आई होप ये खबर आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपका क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहूंगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। हमारा वेबसाइट भी जरूर चेकआउट करें दोस्तों, हमारे वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है cryptodost.io। तो जैसे मैंने आपको बताया हम कई तरीके के न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं हमारे वेबसाइट पर, हम ICO ट्रैकर डालते हैं हमारे वेबसाइट पर, प्राइस ट्रैकर है, बहुत तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस होती है हमारे वेबसाइट पर, आके देखिएगा जरूर। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, हमारे फेसबुक पेज का जो हैंडल है वो है द क्रिप्टो दोस्त, और हमारे ट्विटर पेज का जो हैंडल है वो भी है द क्रिप्टो दोस्त। प्लीज आके हमसे इन दो सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा, याद रहे द क्रिप्टो दोस्त है हमारा हैंडल, ना कि क्रिप्टो दोस्त। थैंक यू वेरी मच।